आप सभी को उदय क्लासेस परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज रक्षाबंधन है और ये बहुत ही क्या है, पावन त्योहार है, भाई बहनों का प्यार है और काफी मन को भाने वाला त्योहार है, उल्लास का त्योहार है, फिर से प्यार को भर देने वाला त्योहार है। तो यहाँ पर ये सिर्फ रक्षाबंधन, तो इसके मायने को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहन अपने भाई को ये रक्षाबंधन इसलिए बांधती है ताकि भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए मजबूत रहे और हर तरीके से अपनी बहन की रक्षा करे, हर तरीके से। बिल्कुल सही कहा जा रहा है और भारत ऐसी संस्कृति और सभ्यता के लिए ही जाना जाता है। यही हमारी संस्कृति है जो कि भारत के शिखर को पूरे विश्व में ऊंचा रखता है। तो इस संस्कृति को चलिया जरूरी है कि उसी तरह से बनाए रखें और आगे बढ़ाएं। जहां संस्कृति है वहीं सभ्यता अच्छी होगी और वहीं विकास भी अच्छे होंगे, क्योंकि यही मानव समाज को एक ऐसा समाज बनाता है जिसमें हर कोई सुख समृद्धि और प्यार के साथ रह सकता है। हम सभी भाइयों का यही कर्तव्य है कि हमें हर तरीके से इस रक्षाबंधन को बनाए रखना है और अपनी बहनों का हर तरीके से रक्षा करना है, हर बुराई से उन्हें बचाना है और उनके लिए बेहतर समाज का निर्माण करना है ताकि वो समाज में अच्छे से खुशी के साथ रह सके, भय मुक्त रह सके। हर भाइयों के लिए यही कर्तव्य है कि इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में यही करें वो, कि ऐसे भय मुक्त समाज का निर्माण करें जहां पर हर बहने आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ वो आगे बढ़े और उसे समाज में एक उचित स्थान मिले। बिल्कुल, यहाँ पर उदय सर सही बात पर यहाँ पर फोकस करते हुए कि आज जरूरी है कि आज समाज में जो भी लड़कियां हैं, आज हमें एक भाई बनकर सबका साथ देना होगा, भयमुक्त समाज बनाना होगा ताकि ये घर से निकल सके और सुबह जितना भी जल्दी हो, रात को जितना भी समय मिले, वो कुछ सीख सके और सीख कर आगे बढ़ सके। जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है वह स्वतंत्र होकर जा सके। उसे यह भारत, पूरा भारत जो है, उसे हर गली मोहल्ले में एक विश्वास मिले कि आज समाज उसके साथ है और ये समानता का व्यवहार और प्यार का ये जो बंधन है बहन के प्रति, समाज में सभी के प्रति रखना होगा। तभी हमारी समाज की जो बहने हैं वो आगे बढ़ेगी और इसी से हम लोग गर्व महसूस करेंगे और एक बहन जो है भाई के होने का फर्ज को निभाएंगे जब, तो गर्व महसूस करेंगी और ये बात हम लोगों को फर्क पड़ता है क्योंकि इसी से हमारा समाज अच्छा बनता है। तो फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और इस रक्षाबंधन के उद्देश्य को हम सभी भाइयों को बनाए रखना है। धन्यवाद। धन्यवाद।